अंबिकापुर में पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर पूर्ण रूप से जागरूक दिख रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जनसुनवाई की। उन्होंने सुनवाई के लिए उपस्थित सभी पक्षकारों से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों के स्थिति के संबंध में पूछताछ भी की। आपको बता दें कि जिला पंचायत सभा कक्ष में कुल 14 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 3 मामलों में FIR कराई गई, जिसमें एक मामला दहेज प्रताड़ना, एक मामला धोखाधड़ी व एक छात्रा को BAMS मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर 2 लोगों ने 1,75,000 रुपए की ठगी करने का था। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी के दोनों आरोपियों को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए तथा उन्हें पुलिस कस्टडी में सौंपा गया। डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर निसंकोच निडर होकर शिकायत कर सकती हैं। महिलाएं अपने मामलों की शिकायत सादा आवेदन पत्र में राज्य महिला आयोग रायपुर को भेज सकती हैं। इसके साथ ही आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन तथा टोल फ्री नंबर 1800-233-4299 में निःशुल्क दर्ज करा सकते हैं। मामलों में निःशुल्क कार्यवाही की जाती है, रायपुर को भेज सकती हैं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। और आज इसमें आयोग के हम प्रकरणों की सुनवाई के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। अभी सुनवाई जारी है, कुल 6-8 मामलों की अभी तक सुनवाई हो चुकी है, जिनमें से 3 से 4 मामले अभी नस्तीबद्ध हुए हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया है। मूल रूप से एक जो पहला प्रकरण आया था, वो आप सब मीडिया के साथियों से मेरी गुजारिश है कि उसको आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे धोखाधड़ी होती है। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उस बच्ची को BAMS में एडमिशन के नाम पे 75,000 अपने अकाउंट में लिया था और 1,00,000 रुपये अलग से कैश लिया था, और तो आज यहाँ पर सारी धोखाधड़ी की पोल खुली है। तो चूँकि मामला तो बलरामपुर के ज्यूरिसडिक्शन का है, पर यहाँ पर कोतवाली थाने में उसकी FIR दर्ज करके 0 में कायम कर मामले को ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया है। अनावेदकों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है यहाँ से, और आवेदिका को भेजा गया है कि वो जाकर अपना मामला दर्ज कराए। एक मामले में अनावेदक सरकारी नौकरी में है और पत्नी को उसने अलग रख रखा है, उसके ऊपर 498A का मामला दर्ज है, और पत्नी ने बताया कि उसने कई महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध हैं, उनके फोटोग्राफ्स वह पेश कर रही है। इस मामले में कलेक्टर जशपुर को हम पत्र भेजेंगे अभी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे निलंबित करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिविल सर्विसेज में रहने के अधिकारी नहीं हैं जो अवैध आचरण लगातार कर रहे हैं। और अभी मामलों की सुनवाई लगातार जारी है। सरगुजा संभाग में मेरा 5 दिन का सघन ये अभियान है, दौरा है। कल सूरजपुर में, परसों में 25 तारीख को कोरिया में, और 26 तारीख ट्रैवलिंग के लिए है, और 27 तारीख जशपुर में। तो 4 दिन लगातार सुनवाई है। कुल 60 से 70 मामलों के फाइल हम लेकर आए हैं। आज लगभग बलरामपुर के 4 मामले और 10 मामले अंबिकापुर के, कुल 14 मामलों की सुनवाई यहाँ पर है। सूरजपुर में कल कुछ 7-8 मामले हैं, फिर कोरिया में भी 18 से 20 मामले और उतना ही मामले जशपुर में हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.